Hey guys, welcome to my channel Beauty Tips and Recipes. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लिकराइस पाउडर के बेनिफिट्स, यानी कि मुलेटी पाउडर के बेनिफिट्स। ये स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जो एक्ने और स्कार्स होते हैं उन्हें दूर करने में हेल्प करता है। तो मैं आप पर आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको इसे यूज करना है। तो इस DIY को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बेसन लिया हुआ है, जो कि स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लेंज करने में हेल्प करता है और ऑयली स्किन को ड्राई बनाने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन लिया हुआ है। सेकंड मैं यूज कर रही हूँ ये मुलेटी पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छे से आपके एक्ने और स्कार्स को कम करता है। ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होता है पिंपल्स और एक्ने के मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये जो प्रोडक्ट यूज किया है वो एल्फ गुडनेस की तरफ से मैंने यूज किया हुआ है। आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो घर पर भी इसको ग्राइंड करके बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है। तो मुझे एल्फ गुडनेस के प्रोडक्ट पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर ये यूज करती हूँ और काफी अच्छा है। इसका प्राइस भी अच्छा है और आपको बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में मिलता है। तो इस तरह से मैं ये पैकेट ऑर्डर कर चुकी हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद भी आ रहा है। थर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया है ये हल्दी पाउडर, जो कि खड़ी हल्दी का पाउडर है। ये स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो आपके पिंपल्स को होने से बचाती है। ये भी मैंने एल्फ गुडनेस की तरफ से यूज किया हुआ है। ये मैं हमेशा यूज करती हूँ और हमेशा आपको रेकमेंड करती हूँ कि जब भी आप कोई फेस के लिए DIY बनाए तो उसमें हमेशा खड़ी हल्दी का पाउडर यूज किए। बहुत ही अच्छा होता है ये और स्किन के लिए जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। जो आप खाना बनाने के लिए हल्दी यूज करते हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है फेस के लिए। तो इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें हम ये सब चीजें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड करने वाली हूँ, जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लेंज करेगा। अब 1/4 चम्मच यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो आपके पिंपल्स को होने से बचाएगा। और लास्ट में 1 चम्मच मैं यहाँ पर मुलेठी पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो आपके एक्ने की स्कार्स को कम करेगा। तो आपको जो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो खास बात है इस फेस पैक की वो ये है कि आप इसे इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। बस जब भी आपको बनाना है थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए और उसे अच्छे से अपने फेस पर लगा लीजिए। तो आप चाहे तो इसे कर्ड के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप इसे गुलाब जल के साथ मिक्स करके अपने फेस पर लगा लीजिए और 15 से 20 मिनट बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से मैं इसे यूज करती हूँ। इस तरह से कंटेनर में स्टोर करने के बाद मैं जितना मुझे यूज करना है उतना पाउडर लेती हूँ और उसके अंदर इसे मिक्स करने के लिए थोड़ा सा कर्ड ऐड करती हूँ। और बस इस तरह से इसका एक पेस्ट बनाना है हमें। एक बहुत ही अच्छा फेशियल पैक है, इससे आपके डार्क स्पॉट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो बस इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है और 15 से 20 मिनट तक इसे रखना है। उसके बाद अच्छे से फेस वॉश कर लेना है और नॉर्मल पानी से फेस वॉश करना है। इसके रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो बस ये रेडी हो चुका है, इसे हम अप्लाई कर लेंगे। मुलेटी पाउडर आपके एक्ने और एक्ने स्कार्स को कम करने के साथ ही आपकी स्किन को लाइटन करता है, सन टैन को रिमूव करता है, आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी करता है, साथ ही आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है और जो ओपन पोर्स होते हैं उन्हें भी श्रिंक करता है। तो ये फेस पैक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।